आपने जैकी श्रॉफ की फिल्म तेरी मेहरबानियां तो अवश्य ही देखी होगी, जिसमें डॉग मोती जैकी श्रॉफ की मौत का बदला उनके दुश्मनों से लेता है। डॉग की तरह वफादार इस धरती पर शायद ही कोई दूसरा जानवर हो। आज की कहानी है जापान के एक ऐसे डॉग की जिसकी वफादारी की दुनिया मिसाल देती है। 1924 की बात है, इजबोरो इनो नाम के एक शख्स टोक्यो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंस के प्रोफेसर थे। उन्हें काफ़ी दिनों से एक प्यारे से कुत्ते की तलाश थी। आखिरकार उन्हें एक प्यारा सा पपी मिला। प्रोफेसर इनो उसे प्यार से हचिको बुलाते थे। कुछ समय बाद ही प्रोफेसर और हचिको आपस में काफ़ी घुल मिल गए। प्रोफेसर इनो के घर में हचिको पारिवारिक सदस्य के तौर पर रहने लगा। हचिको प्रोफेसर को हर रोज सेंट्रल टोक्यो के शिबुया रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाता था। प्रोफेसर के जाने के बाद हचिको स्टेशन पर ही घंटों इंतजार करता। जब प्रोफेसर काम से वापस लौटते तो हचिको उन्हें घर लेकर आता। इन दोनों के लिए एक नियमित दिनचर्या बन गई थी। 21 मई 1925 को हर दिन की तरह हचिको प्रोफेसर को छोड़ने गया और स्टेशन पर बैठकर इंतजार करने लगा। उधर प्रोफेसर इनो की यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान ब्रेन हैमरेज से मौत हो जाती है। अपने मालिक की मौत से अनजाना हचिको उनका स्टेशन पर बेसब्री से इंतजार करता रहता है। प्रोफेसर इनो तो अब कभी भी नहीं आने वाले थे। हचिको उस स्टेशन पर कई दिनों तक घूमता रहा। आने जाने वाली ट्रेन के डब्बों में जाकर बार बार ये पता करता रहा कि उनका मालिक शायद किसी डब्बे में बैठे हों। बहुत कोशिश करने के बाद किसी तरह प्रोफेसर का गार्डनर हचिको को अपने घर ले आया। लेकिन प्रोफेसर के लिए हचिको का प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। वो हर रोज प्रोफेसर इनो का स्टेशन पर इंतजार करता कि प्रोफेसर अब आएंगे और वे उसके साथ घर पे जाएंगे। सुबह शाम वो प्रोफेसर की ट्रेन का बेसब्री से इंतजार करता, पर ट्रेन से प्रोफेसर को न निकलता देख उदास होकर वापस चला आता। हचिको ने ये काम 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक लगातार किया। धीरे धीरे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों ने हचिको की इन गतिविधियों को गौर करना शुरू किया। इसके बाद हचिको की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई। जापान के एक बड़े न्यूज़पेपर ने हचिको के ऊपर स्टोरी की। इसके बाद वो देश भर में लोकप्रिय हो गया। लोगों ने उसे प्यार से चुकेन हचिको बुलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब फैथफुल डॉग होता है। हचिको देखा मिसाल बन गया। हचिको के मालिक के प्रति इस प्यार को देखते हुए 1934 में शिबुया रेलवे स्टेशन पर उसकी पीतल की मूर्ति लगाई गई। हचिको इस फंक्शन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब सेना को पीतल की जरूरत पड़ी तो हचिको की मूर्ति को गलाकर इस्तेमाल कर लिया गया। 1948 में फिर से हचिको की मूर्ति बनवाई गई। पहली बार जिस आर्टिस्ट ने हचिको की मूर्ति बनाई थी उसी की बेटी ने दोबारा उसकी मूर्ति बनाई। तब से लेकर आज तक वो मूर्ति वैसे ही है। हचिको की ये मूर्ति स्टेशन पर एंट्रेंस के पास लगी है। स्टैचू का नाम हचिको गुची है, जिसका मतलब होता है हचिको एंट्रेंस। ये शिबुया रेलवे स्टेशन के 5 एग्जिट में से एक है। 2015 में टोक्यो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर इनो और हचिको की मूर्ति लगाई गई। इस मूर्ति में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रोफेसर हचिको से मिलने स्वर्ग से वापस आए हैं। 18 मार्च 1935 को हचिको के कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। मौत के समय भी हचिको स्टेशन के आसपास ही था। हालांकि हचिको की मौत टर्मिनल कैंसर की वजह से हुई, ये बात 2011 में पता चली। हचिको की समाधि प्रोफेसर इनो की समाधि के बगल में ही बनाई गई है। 2015 में भारत में हचिको के ऊपर तेलुगु भाषा में एक फिल्म भी बनी है, उसका नाम टॉमी था। 1987 में जापान में भी एक फिल्म बनी जिसका नाम हचिको मोनोगटारी है। और 2009 में हॉलीवुड ने भी हचिको के ऊपर फिल्म बनाई जिसका नाम हाची ये डॉग टेल था, जिसमें हॉलीवुड सुपरस्टार रिचर्ड गियर ने काम किया था। दोस्तों, आपने मेरी बातों को इतने धैर्यपूर्वक और प्रेमपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप ऐसी ही कुछ विचित्र और अनोखी घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।